शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अच्छा अंकल जी, मैं जा रहा हूँ। राजीव, अरे बाहर कहाँ जा रहे हो, मरवाओगे क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग शहर में वापस आ गए। अंदर ही रहो। अरे अंकल, मैं संजना के भाई साहब से मिलने जा रहा हूँ। आप ही ने तो कहा था कि फटाफट एंगेजमेंट करवा लेनी चाहिए। ओ यस 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 यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। मुझे भी संजना की सहेलियां बता रही थी कि संजना के भाई साहब शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। अरे एक बार उनके साथ हमारा रिश्ता तय हो गया ना, फिर तो मजनू और शेट्टी से उनके भाई साहब ही निपटेंगे, हम क्यों निपटे। जाओ बेटे, जाओ वहां से, जाओ वहां से। अच्छा मामी जी, बाय। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, बस एक नेक और शरीफ लड़का चाहिए था। वो तलाश भी आज खत्म हो गई। मुझे तुम बहुत पसंद आए, तुम्हारे घर वालों को संजना पसंद है, इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। भाई साहब, 13 तारीख को संजना का बर्थडे है, मैं ये सोच रहा था कि अगर उसी दिन एंगेजमेंट हो जाए। इतनी जल्दी कैसे तैयारियां हो जाएंगी? भाई साहब तैयारियों का क्या होता है, सिर्फ 4 कार्ड छापने होते हैं, 4 लोगों को बुलाना होता है और 2 अंगूठियां चाहिए होती हैं, बस और क्या। लगता है मुझसे ज्यादा तुम्हें जल्दी है। नहीं भाई साहब, कोई तकलीफ है तो? कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। अरे नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। अब तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। मैं आज आपके लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 3 खुशखबरी। तुम्हारी खुशखबरी बाद में सुनाना, पहले इनसे मिलो, ये संजना के होने वाले मंगेतर है। नमस्ते जी। नमस्ते। जाने से पहले मुझे मिलके जाना, समझ गया ना? समझ गया। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? बड़ी अजीब सी बात है, हमारे जमाने में तो घर वाले बात करते थे, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। भाई साहब आप जब बोलेंगे मैं अपने घर वालों को आपसे मिलाने ले आऊंगा। अभी 2 दिन के बाद मेरे नए होटल की ओपनिंग है, छोटी सी पार्टी रखी है, ले आना। जी जरूर जरूर ले आऊंगा। भाई साहब ये सब बिजनेस की वजह से। सिक्योरिटी? हाँ, सिक्योरिटी। अगर आप पर कोई आफत आ गई तो ये लोग जान दे देंगे, ले भी लेंगे। क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं भाई साहब, एक आदमी नहीं है, 2 आदमी हैं, वो काफी परेशान किया उन्होंने मुझे। कौन है? है बड़े लेवल के आदमी है भाई साहब। बता दो, लेवल में लाएंगे उनको। अब रिश्ता जुड़ा है तुमसे, तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है, भगवान की दया से इस शहर में हमको कोई परेशान नहीं कर सकता। बताओ कौन है? नहीं बस आपने इतना कह दिया, काफी है भाई साहब, मैं खुद ही बात कर लूंगा उनसे। अच्छा बात कर लो, नहीं तो मुझसे बात कराओ, फोन पे समझा दूंगा। जी भाई साहब। अरे मजनू, 2 सेकंड पहले आता तो लड़के से मिला देता। कौन से लड़के से? वही संजना जी से प्यार करती है, 13 तारीख को मैंने मंगनी भी फिट कर दी है। फिर वो मेरा पेंटिंग वाला छोकरा, उसका क्या होगा? उसे निकाल दे पेंटिंग से, वहाँ बिल्डिंग बना। क्या बात करे उदय भाई, कितनी मेहनत करके चक्कर करके लड़के को अंदर कर आप बोलते बिल्डिंग बना दे। अरे मेहनत की है, इसका मतलब ये तो नहीं कि बहन की शादी कहीं भी करवा दूं। आप समझ नहीं रहे उदय भाई, वो तो जल्दी जल्दी में उसकी शराफत में बराबर पेंट नहीं कर पाए। देख संजना इस लड़के से प्यार करती है, इसके घर वाले भी संजना को बहुत पसंद करते हैं, अपने आप मामला फिट हो गया है। तेरे वाले लड़के को थूक लगा दे। सर मैं अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अरे वाह, पूछना तो नहीं चाहता लेकिन पूछे बगैर रह भी नहीं सकता। ये भी ठीक है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप किस लड़के को सिलेक्ट कर रहे हैं और किसे कैंसिल कर रहे हैं। आजा बताता हूँ। क्या हुआ सर? मैंने तो गलती कर दी। डॉक्टर गंगरो, रिश्ता कैंसिल। क्या बात करते हैं रिश्ता, क्या बात करते हैं आप, रिश्ता कैंसिल? हमारे उदय भाई से हाथ मिला के, गले मिल के, रिश्ता फाइनल करके गायब है? नहीं मैं मंगनी और शादी की तैयारी करने गया था ना, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। टू लेट, अभी हमारी सिस्टर को किसी और से लव हो गया है, उदय भाई की तरफ से सॉरी। सॉरी क्या, अपने आप की जान छूटी, जान निकल जाएगी मेरे भांजे की। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप मेरे अंकल को इस तरह उठाकर क्यों लाए? जो लोग हमारे फोन नहीं उठाते उन्हें हम ऐसे ही उठा लेते हैं। आपको क्या लगता है? राजीव, इन्होंने रिश्ता कैंसिल कर दिया है, ये बताने के लिए मुझे यहाँ पे उठा के लेके आए। रिश्ता कैंसिल? समझो बात को।
हाँ लेकिन फिर भी अंकल ये बात प्यार से भी की जा सकती थी. They could have easily said sorry to us. अबे what? बोलने दे. तकलीफ हुआ है बेचारे को. बोल. हाँ. अच्छा हुआ ये रिश्ता आप लोगों ने खुद कैंसिल कर दिया, वरना हम कैंसिल करने वाले थे. इसलिए कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और बहुत ही जल्द मेरी एंगेजमेंट भी होने वाली है. एक मिनट अंकल, आप जानते हैं वो लोग कौन है? कौन है? हा? वो लोग बहुत बड़े लोग हैं. वो आप और आपके वो क्या नाम है उनका, शेट्टी. यस मिस्टर शेट्टी. 10 जनों को ऐसे यूं ही खरीद सकते हैं. Yeah. आप समझे, मैं समझ जनू भाई. इसलिए हम लोग गायब हो गए थे ये सोचने के लिए कि तुम जैसे गुंडों से छुटकारा कैसे पाया जाए. जिसका भाई ऐसा होगा उसकी बहन कैसी होगी और उसके माँ बाप तो कैसे कैसे होंगे. मैं मर भी जाता ना तो भी ये रिश्ता नहीं करता. मजनू भाई, जिसे मर्जी चाहे उठा लेते हैं. याद रखिए मिस्टर मजनू, आपको भी कोई उठा सकता है. ए, बहुत हो गया तेरा. हमारे भाई को कोई छू भी नहीं सकता. छू भी नहीं सकता? छुआ मैंने. मुझे अगर किसी ने छूने की कोशिश की ना तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते तुम्हारा हाल क्या होगा. डोंट ट्राई टू टच मी. ये लो, मैंने फिर छुआ. अब क्या कर लोगे? ए, कौन है तेरे पीछे? जानना चाहते हैं? बात करना चाहते हैं उनसे? ये लीजिए, ये फोन है. मैं आपको नंबर लगा कर दूं, बात करेंगे आप उनसे. है हिम्मत है आप में? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई आपकी? है हेलो, ओ इधर देखिए, तीसरी बार छुआ. राजू मत छू, प्रॉब्लम हो जाएगा, मत छू. लिसन मिस्टर मजनू, इफ यू एवर ट्राई टू क्रॉस माय वे यू वुड हैव इट फ्रॉम मी एंड माय रिलेटिव एंड दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू. लेट्स गो अंकल, लेट्स गो. फिर छुआ. लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आदमी है. लेकिन मजनू भाई और उदय भाई से बड़ा आदमी और कौन हो सकता है? एक ही हो सकता है, जॉर्ज बुश. हाँ. अरे कैसे हैं मेरे साहब? वेरी गुड. नमस्ते भाभी. नमस्ते शेटी साहब, होटल बड़ा शानदार बनाया. बस दुआएं आपकी, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू. भाई ये पार्टी में सब शरीफ लोग दिख रहे हैं. खाली व्हाइट कॉलर वालों को बुलाया ताकि उन लोगों के बीच में उदय भाई और हम भी शरीफ लगे. आपको क्या लगता है, शेव वेव करके आप शरीफ लग रहे? संजना, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन. मंगनी का कार्ड तो मिल गया पर राजीव और उसकी फैमिली किधर है? बस आते ही होंगे. देखा मामा जी, रौनक देखी आपने? हैं? मुझे तो हंसी उस पर आ रही है जिसको शेट्टी की बहन से प्यार हो गया. अंकल वैसे बुरी बात है, किसी की बर्बादी पर इस तरह हंसते नहीं है. वैसे मुझे तो उस लड़के से ज्यादा उसके खानदान पर तरस आ रहा है. सारी जिंदगी रोना पड़ेगा उन लोगों को. वो तो है. अरे गुमरू, ये तो वही लोग हैं ना जिनका रिश्ता हम लोगों ने ठुकराया था. कपूर्स द क्रिमिनल्स. छोड़ो भी. अरे गुंगरू जी, आप इस पार्टी में क्या कर रहे हैं भाई? ये पार्टी जिन्होंने दी है और जिनका ये शानदार होटल है ना, उनकी बहन के साथ हमारे भांजे का रिश्ता तय हुआ है. नमस्ते. अच्छा? अरे भाई घुंगरू जी, कमाल हो गया ये. बड़ा ही शरीफ खानदान ढूंढा है आपने. बिल्कुल. वैसे अगर आपने यही रिश्ता करना था तो हमारे खानदान में क्या कमी थी. चलो यार, पता नहीं कहाँ से चले आते. क्या कहा इसने, क्या बोला ये? नथिंग अंकल, जस्ट डोंट पे अटेंशन, इज जस्ट जेलस. कम लेट्स गो. कपूर्स द क्रिमिनल्स. पार्टी इज रियली गुड. भैया राजीव के घर वाले आ गए. नमस्ते. हाय भाई साहब. भाई साहब ये मेरे अंकल हैं और हाँ अंकल ये है मेरे भैया. अंकल आई ओके? अरे यहाँ पे डॉक्टर है, जल्दी एम्बुलेंस. मामी इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? मुझे नहीं मालूम. अंकल जी बेटा गुंगरू. अंकल क्या करूं? क्या करूं मैं होश में आकर, क्या करूं? साला जिस रिश्ते से हम पीछा छुड़ा के भाग रहे थे, मुझे क्या पता था कि वो रिश्ता हमारे पीछे पीछे ही भाग रहा है. अब वो संजना डॉन, डॉन उदय शेट्टी की बहन. ओ माय गॉड. फिर से राजीव. राजीव, राजीव बेटा. हाँ डॉक्टर साहब, जरा चेक करना.
100 उदय और मजनू मरेंगे ना तो एक घुंघरू पैदा होगा। अरे उसका बस चले ना तो हमारे पैरों में घुंघरू बांधकर हमें न जाए। अरे उसको तो बेहोश होना ही था, मालूम है उस दिन जब मैंने रिश्ता कैंसिल करने के लिए बुलाया तो क्या बोल रहा था वो? मैं मर भी जाता ना तो भी ये रिश्ता नहीं करता। जिसका भाई ऐसा होगा उसकी बहन कैसी होगी, माँ बाप कैसे कैसे होंगे। इसलिए हम लोग गायब हो गए थे ये सोचने के लिए कि तुम जैसे गुंडों से छुटकारा कैसे पाया जाए। क्रिमिनल फैमिली से छुटकारा पाने के लिए भागा था ना वो, मैं छुटकारा दिलाऊंगा उसे। ए बंदो चल गाड़ी निकाल चल। अरे उदय भाई सुनो तो सही। अरे ये मत भूलो कि हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है। प्यार करती उस लड़के से, अगर आपने उसके मामे को लुड़का दिया ना तो ये शादी नहीं हो पाएगी। अरे मामा से थोड़ी शादी करनी है। अरे गुस्से में आप क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे रिश्तेदारी निभानी है, होने वाले समझिए आप। मैं कौन हूँ? कोई नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। हाँ तू कुछ भी कर सकता है, जा कुछ भी कर, लेकिन समझा उसे उदय शेट्टी कौन है, उसका असली रंग क्या है, अगर दिमाग घूम गया तो क्या कर सकता है। ये ले फोड़ कान के पीछे। ये ले भाई। अरे घोड़ा है मेरे पास, उसके कान के नीचे ऐसे बजाऊंगा कि वो खुद अपने भांजे को घोड़े पे बिठाकर आगे नाचेगा। बजू कंट्रोल कंट्रोल, आप फिक्र मत करो, मैं जा रहा हूँ। कंट्रोल 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 उदय कंट्रोल कंट्रोल। मजनू भी काम हरामी नहीं है, सब ठीक कर देगा। कंट्रोल 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 कंट्रोल। ए चल बे शाणे, चल उठ। ए ओला ला रे, कोट पकड़। देख आखिरी बार बोल रहा हूं, उठ जाने तो हमेशा के लिए उठ जाएगा। उठने के लिए थोड़ी बेहोश हूं। नहीं उठेगा। गोली कहां है बे? ये जेब के अंदर है भाई। और घोड़ा उस जेब में, मेरी सुपारी उपारी ले रखी है क्या? किसी दिन लफड़ा हो गया ना तो तू गोली भरता रह जाएगा और मेरा कोई गेम बजा देगा, समझा? अरे भाई आपका गेम कौन बजा सकता है भाई, लेकिन घोड़ा और गोली एक साथ एक जेब में रखे ना भाई तो पता नहीं आप कितने लोगों का गेम बजा डालोगे भाई। ये लो ना गोली भाई। भाई ने गोली भर ली है, अभी भी टाइम है, उठ जा घुंघरू। नहीं तो खाली नाम घुंघरू है मेरा, लेकिन कोई बजा नहीं सकता मुझे। भाई तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। लेकिन अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना इसको उठाने की। इसकी पैंट उतारो, नंगा करो साले को। ठीक है भाई। डॉक्टर के सामने तो सब नंगे होते हैं, और डॉक्टर को भी कर लो, कर लो कर लो। भाई ये पहले से ही बहुत नंगा आदमी है, अभी भी साला यू कर रहा है। भाई छोड़ो ना ये बीच वाले को, मेन पार्टी से बात करते ना।